मैं निकालने जा रहा हूँ। एक मिनट हटो जी, हटो बस एक मिनट। देखिए अभी सोचिए सब कलर भाई, सिर्फ इसमें फोकस करो। किसान भाइयों राम राम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई डेयरी फार्म वाले भाइयों, सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत से ज़्यादा नमस्कार। दोस्तों मैं हूं दिनेश गिरी, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जो आप देख रहे हैं वीडियो, इसमें मैंने मोबाइल से हल्का सा टेढ़ा कर दिया था, इसलिए वीडियो ये पट में हो गया, यानी खड़े में हो गया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जब आप परेशान मत होइएगा, मात्र दो मिनट का ऐसा वीडियो बन चुका बना हुआ है, मैंने खुद बनाया था। यानी आपको मैं वीडियो फुल क्लियरिटी में इसमें बना हुआ है दो मिनट के बाद। हाँ दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाइयों के पास पहुँचे। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो खोया बनता है, खोया का भट्टी यहाँ पे है, जो गैस के द्वारा बन सकता है और मिट्टी तेल और डीजल के द्वारा भी बन सकता है। आप खोया बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, यानी इसमें कोई मेहनत नहीं है। जो भट्टी वाला खोया बनता है, जो कोयले के द्वारा बनता है खोया, उसमें मेहनत है। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए आप जो देख रहे हैं, ये टंकी आपने जो देखा अभी, इस टंकी में क्या कि इसमें मिट्टी तेल या डीजल आप डाल सकते हैं, इससे आप खोया, क्योंकि आपका जो कढ़ाई लगेगा काला हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मिट्टी तेल और डीजल वाला टंकी है, ये इससे भी आप इसमें भी डालकर आप टोटी को खोल कर आराम से खोया बनाया जा सकता है। देखिए मैं खोल रहा हूँ, इसमें तेल डाला जाता है, चाहे घास लेट डाल दीजिए, चाहे डीजल डाल दीजिए, इसमें ऐसा तरीका है। और इसमें इस कढ़ाई में दूध कभी करीबन कम से कम 8-10 लीटर दूध पड़ा होगा, मैंने पूछने के बाद मैंने ऐसा बात बताया, और वीडियो में साथ कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया था, मतलब ये ऐसा बात नहीं है, करीबन 8-10 लीटर करीबन कम से कम यानी खोया इसमें तैयार हुआ होगा, 2.5 किलो खोया तैयार हुआ होगा। इसमें आप देखिए पूरा वीडियो, तभी आपको नॉलेज मिल पाएगा और बहुत ही आसानी से आप खोया बना जा सकते हैं अपने आप। दोस्तों आप लोग सिर्फ भैंस ही गाय के वीडियो मत देखें, जो नॉलेज के लायक है वो भी आप वीडियो देखें, कि जिससे आप जो पैसा कमा सकें, और आप भैंस गाय रख कर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं, आप ही जान लीजिए। यानी बहुत ही आसानी द्वारा खोया बनाया जा सकता है, आप खोया भी बना सकते हैं, पनीर भी फाड़ सकते हैं। जैसे कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो भैंस गाय रखे हुए हैं ज़्यादा ज़्यादा, जो डेयरी फार्म किए हुए हैं भैंस गाय का, वो हम ये कहेंगे कि वो दूध और क्रीम निकालें और घी बनाएं और खोया और पनीर बनाएं, कि ताकि उनका और ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा हो, उन कभी को कभी भी डेयरी फार्म में उनका भी नुकसान ना हो, हम ये कहना चाहेंगे। और ये दोस्त आप भी वीडियो के ऊपर मत जाइएगा, ये दो मिनट का वीडियो ऐसा गलत बन गया था, और मैंने आगे बहुत ठीक ठाक वीडियो बनाई है, इसी वीडियो में बहुत ठीक ठाक वीडियो बना हुआ है, आप ही जान लीजिए। और इसमें क्या था कि मैं खुद मोबाइल पकड़े हुए था, अपना चेहरा दिखाना चाहता था, इसलिए वीडियो ऐसा गलत बन गया है। तभी इसमें वीडियो में यानी से 20-30 सेकंड और बचा हुआ है इस वीडियो में, जैसे कि आपको अच्छी क्लियरिटी में वीडियो में दिखा रहा हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों आप सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत सी बधाई आप सभी भाइयों को इस दिवाली के शुभ अवसर में, आपको दे रहा हूँ वीडियो आपको मैं डाल रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको भी एक शायद लाइव शो दिखाऊँ अगर टाइम मिल रहा है तो, और इससे पहले भी दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें एकदम मशीन यानी जो एक कड़ा जो है, एक कड़ाही जिसको बोलते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। इसमें एक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक मोटर फिट हुआ है, इसी के द्वारा ये मशीन चलता रहता है। ये देखिए आप लोग, और इसमें यहाँ पे हमारे बलरामपुर ज़िले में खोए का दाम बढ़ा हुआ है 250 से 300 रुपये किलो, और दूध का दाम कम से कम 40 से 45 रुपये होगा, इसको आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा कि खोआ इसको कैसे निकालें, और कुछ सिद्धांत से इसको खोआ निकालेंगे। और
दोस्तों जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी भाई के पास पहुँचे, आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों मैं ये तो कहना चाहता हूँ इसे कि जो भाई डेयरी फार्म भैंस गाय का किए हुए हैं वो हम ये कहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तो शायद खोआ निकालें और क्रीम बनाएं, उनका इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा और सहज उपाय है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे दूध खरीद कर लाते हैं फिर खोया बनाते हैं तो इनका इतना फ़ायदा होता होगा, तो अगर आप आपका घर का दूध अगर रहेगा तो आपका तो और ज़्यादा फायदा होगा खोया बनाने से, क्रीम निकालने से। क्रीम से आप आराम से घी बना सकते हैं, अगर क्रीम आपके पास 2 किलो है तो 1 किलो घी तैयार हो जाता है। क्रीम 150-160 रुपये किलो बिकता है, 150 या 160 रुपये किलो बिकता है, तो यानी 2 किलो अगर क्रीम जोड़ लीजिए आप तो वही आपका 320 रुपये हुआ। घी जो होता है घी बिकता है 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, यानी अच्छा घी बनता है, बहुत ही देसी घी एकदम तैयार हो जाता है मेरे दोस्तों। ये रही बातें, अगर आपको अगर इस समय में आया होगा तो आप इसमें आप फायदे में आएंगे, घाटे में नहीं जाएंगे, नुकसान में आप कतई नहीं जा सकते। और इससे अगर सस्ता और खोया बनाना चाहते हैं इससे भी सस्ता, तो आप कोयले के द्वारा खोया बनाएं, कोयले यानी कोयला जो होता है जो भट्टे में यानी भट्टे में जल कर जो फिर कोयला आता है उससे आप खोया बनाएंगे और सस्ते में जाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेहनत है और उसमें और अच्छी खोया तैयार होती है, सफ़ेद खोया तैयार होती है। हमने देखा कि यहाँ पे मेहनत भाई करते हैं, कम से कम 2-3 लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोयले से भी खोया बनाया जाता है यहाँ पे। ये तो इमरजेंसी सेवा है, जैसे कि ज़्यादा टाइम अगर हो रहा है पूरा दिन कोयले के भट्टे में बीत जाएगा तो खोया करना तैयार होगा, इसलिए इमरजेंसी सेवा है कि इसमें भर्ती ज़्यादा लगती है मशीन के द्वारा, मतलब इसमें मेहनत कुछ नहीं है, इसमें क्या है आप दूध डाल दे आप इसमें, इसमें आपको चलाना वाना नहीं है, गैस के द्वारा खोया तैयार हो जाएगा, आप ही जान लीजिए। और दोस्तों मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा वीडियो खोए का और पनीर का और घी का और क्रीम निकालने का मशीन का तरीका बताता रहूँगा मैं इसी यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ से दूरी पड़ता है 40-45 किलोमीटर दूरी पड़ता है यहाँ पे जो काम होता है। मैं भी खोया खरीदने के लिए आया था यहाँ पे, क्योंकि दिवाली का बाहर चल रहा है तो मैंने यहाँ पे देखा, तो अभी मैं ही खोया निकालता हूँ, अभी आप देखेंगे मैं कैसे खोया निकालता हूँ, और बहुत ही आसान तरीके से आप खोया बना सकते हैं, घर बैठे भी खोया बना सकते हैं। अगर जैसे कि जो हमारे किसान भाई हैं इसे छोटे भैंस रखे हैं उनको अगर यूज है खोए का तो ना खरीदें, वो भी घर पे बना सकते हैं, उनके पास अगर भैंस गाय है तो कढ़ाई छोटी कढ़ाई में आराम से खोया बनाया जा सकता है। इसमें जो ज़्यादा खोया तैयार होगा कम से कम इसमें करीबन 2-2.5 या 3 किलो खोया आराम से तैयार होगा इसमें। चलो देखो दोस्तों, ये है खोआ निकालने वाला जो कच्छा है, ये देखिए ये जो कच्छा है इसको आप देख सकते हैं, इसे से खोया निकाला जाता है, ये इसमें खोया निकालना है, ये इसको आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से खोया निकाल सकते हैं। आ गया भाई, आ गया देखिए आप ये आप देख सकते हैं खोया एकदम तैयार हो चुका है, बस इसका आखिरी काम चल रहा है, बस इसका आखिरी टाइमिंग चल रहा है, मैं खोया निकालने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, यानी आँच बहुत तेज़ है, आज मैं इसको आँच अब स्लो करने जा रहा हूँ, बहुत ही आँच तेज है, अब आँच जब तेज रहेगा तो भाई इसको आवाज़ कम किया जाएगा। देखिए मैं आवाज़ कम कर दिया हूँ, इसका भी आँच कम करने जा रहा हूँ, अभी आँच कम हो चुका है,
देखिए अब इसको आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से खोया निकालने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए आप, इसको आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रूप से मेरे प्यारे दोस्तों। ये अभी तो गीला है खोआ, ये हल्का सा मुझे आँच बढ़ाना पड़ेगा, हल्का सा बढ़ा दे रहे हैं, आँच बढ़ गया, आप हल्का सा आँच बढ़ा दिए हैं। अब और ये जल्दी खोया तैयार हो जाएगा। नहीं भाई कह रहा हूँ, लेकिन फोकस क्या है, हमारा मेहनत सब जान हो जाएगा। देखिए आप, ये अभी बहुत ही गीला खोया है, ये देख सकते हैं। अब मैं खोया निकालने जा रहा हूँ, बहुत पक्का पक्का रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ उसको। आप देख सकते हैं आज बहुत स्लो करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज स्लो करना बहुत ही आवश्यक जरूरी है भाई। ऐसा भाई फोकस कर, भाई सामने फोकस कर, जाए इसमें फोकस करो, सीधा अंदर वालों अंदर, इसे अंदर फोकस करो, आ रहा अंदर, हाँ और ऊपर करो मोबाइल, हाँ हाँ बस जरा इस फोकस पर करो, मैं निकालने जा रहा हूँ एक मिनट, हटो जी हटो, बस एक मिनट। देखिए अभी सो ये सब कलर भाई, सिर्फ इसको फोकस करो, ये देख सकते हैं आप मैंने खोआ निकाल लिया है। ये खोया निकल चुका है भैया, और खोया उसमें पड़ा हुआ है, पहली है खोया, मैं उसको भी आसान पूछने जा रहा हूँ। सामने लाओ, सामने जरा जरा लेकर आओ कैमरा, सामने लाओ, सामने सामने मेरे कैमरा लाओ, इधर जलाओ, ये देखिए आप, इसमें दिखाओ भाई, इसमें दिखाओ, बस इधर फोकस करो जाओ। अब देखिए कहीं दूर कम से कम ये करीबन होगा 10 से 12 समय, देखिए कम से कम दूध होगा 10-12 जो दूध होगा, ये किसान बोलो। अब मैं इसको पलटी मारने जा रहा हूँ, देखिए आप ये मैंने इसमें दूध डाल दिया, और इसमें दूध डालना पड़ेगा, दूध कम है इसमें, अभी दूसरा घर है एकदम ताव एकदम फुल है, अब एकदम ये ताव फुल है, ये बहुत जल्दी जो खोआ तैयार हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो हमारे चैनल में नए जुड़े हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, एक वीडियो में बनाता हूँ अपना स्वयं, आपका अभी हाथ चाल लेता हूँ, साथ में कुछ लाइव चालू करूँगा, इससे पहले चालू करूँ बनाने से पहले आप बाद में चालू करूँ। तो दोस्तों आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए भाई इसमें दूध डाल दिया, दूध कम इसमें लेके आओ, ये आप देख सकते हैं इसमें दोबारा दूध डाल दिया है, यानी अब की बार ये बहुत ही कम से कम अगर बहुत समय लगेगा तो 30 मिनट 20 से 25 मिनट में ये खोया के बाद तैयार हो जाएगा, ये 20 से 25 मिनट में खोया तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं करीबन ये टोटल खोया अगर होगा, ये यानी दूध 10 किलो दूध, मैंने अभी पूछा दूध कितना पड़ा हुआ था, तो दूध बता रहे दूध कम से कम दूध 8-10 किलो दूध था, ये कम से कम ये 2.5 किलो खोया होगा, क्योंकि जो दूध खरीद के लाते हैं उसमें पानी भी मिला रहता है ना,
कम से कम करीबन 2.5 किलो खोआ होगा ये, इसको आप देख सकते हैं। ये ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, लाइक और शेयर। नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। हैप्पी दिवाली मेरे दोस्तों, हैप्पी दिवाली।